वैलिड डिस्टेंस में था आपके पास कि भाई वो पढ़ता है कि सीख जो है वो अकेला जो है वो सबसे डबल बॉन्ड इंसर्ट करता है, लेकिन केवल जो वो दो अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या करेगा आपके पास ट्रिपल बॉन्ड। ये सवाल समझ आ रहा है तुम लोगों नहीं आ रहा है ना, छोड़ दो, ये बहुत ही आउट क्लास में क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही तबाही रही सवाल उस साल का, मतलब ये क्रेडिबल क्वेश्चन जिसको बोलते ना उसमें शामिल किया जाता है। क्या छोड़ी उस बात, हम यहाँ पर मेन बात क्या कर रहे हैं कि जब रिमूवल होगा एडजेसेंट कार्बन एटम से, सही है, एटम जब रिमूव होंगे एडजेसेंट कार्बन एटम से तो उसके नतीजे में उन दोनों कार्बन एटम के दरमियान क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन। एक चीज का ख्याल करेंगे, डबल बॉन्ड बनने का मकसद क्या है, मॉलिक्यूल में अनसैचुरेशन आ रही है या अनसैचुरेशन खत्म हो रही है, आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि एलिमिनेशन के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनता है वो अनसैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बनता है, और अगर ऑलरेडी अनसैचुरेटेड है तो हाईली अनसैचुरेटेड बनता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर डबल बॉन्ड नहीं है या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड, मतलब एक मॉलिक्यूल है जिसमें डबल बॉन्ड है ही नहीं, पहला डबल बॉन्ड आ गया तो सैचुरेटेड से क्या बन गया मॉलिक्यूल, अनसैचुरेटेड। और ऑलरेडी अगर डबल बॉन्ड है, दूसरी बार हमने फॉर एग्जाम्पल एलिमिनेशन कराई और ट्रिपल बॉन्ड बन गया तो मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, अभी हमने दो पढ़े हैं। पहला हमने ये बड़ा मॉलिक्यूल सैचुरेटेड है और वो किस पे तब्दील हो रहा है, अनसैचुरेटेड है, तो ये किस प्रोडक्ट में होता है, एलिमिनेशन। मॉलिक्यूल लेस अनसैचुरेटेड है, हाईली अनसैचुरेटेड में तब्दील हो रहा है, तो ये कौन सा है, ये भी एलिमिनेशन। लेकिन अगर अनसैचुरेटेड है और वो तब्दील हो रहा है किसके अंदर, सैचुरेटेड में, मतलब डबल बॉन्ड्स को क्या हो रहे हैं, ओपन अप हो रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड क्या हो रहा है, ओपन अप हो रहा है, तो ये तो एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं है, सही है। अब उसके बाद आ जाइए डिफरेंसेस पर, किसके डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे, बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन और यूनि मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। पास्ट पेपर में एमसीक्यू आ चुका है, व्हाट इज E2 स्टैंड्स फॉर, व्हाट E2 में 2 का मतलब क्या है, या E1 में 1 का मतलब क्या है, अगेन SN1 और SN2 की तरह 2 का मतलब बाय मॉलिक्यूलर और 1 का मतलब यूनि मॉलिक्यूलर, सही है। तो बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन और E1 का मतलब क्या होगा बेटा, यूनि मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन की बात। जैसे एसिड टू रिएक्शन होता था एक ही स्टेप के अंदर, E2 रिएक्शन भी उसी तरीके से एक ही स्टेप में कंप्लीट होगा, दैट इज व्हाई वी कैन से दैट E2 रिएक्शन अकर्स इन अ सिंगल स्टेप। इसी तरीके से E1 रिएक्शन, जैसे कि SN1 रिएक्शन एक ही स्टेप में होता था, E1 रिएक्शन भी आपके पास कितने स्टेप में होगा, एक ही स्टेप में या दो स्टेप में, दो स्टेप में। जैसे E1 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन होता था दो स्टेप में, E1 रिएक्शन भी कितने स्टेप में होगा, दो स्टेप में, इसी तरीके से, ठीक है। पहले स्टेप में कार्बोनियम आयन फॉर्म होगा, दूसरे स्टेप में आपके पास बॉन्ड फॉर्म होगा। उसके बाद अगर हम देखें, ये तो मैंने लिख दिया था ना, अगर सिंगल स्टेप दोबारा से क्यों लिख दिया, अल्फाज अपडेट करके बस ऐसे ही लिख दिया, शुगर मेरा लगा हुआ, अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन, अगर टू स्टेप डुअल स्टेप रिएक्शन है भी लिख दिया, बस एक ही लिखना भाई, सही है, एक ही चीज है। उसके बाद आ जाओ सॉल्वेंट के लिहाज से बात की जाए, सॉल्वेंट का सवाल आता है, ठीक है भाई, E2 रिएक्शन आपके पास कौन से सॉल्वेंट में होगा भाई, नॉन पोलर सॉल्वेंट, जबकि E1 रिएक्शन कराने के लिए सॉल्वेंट कौन सा लेना होगा, पोलर सॉल्वेंट, कौन सा लेना होगा, पोलर सॉल्वेंट। ऑलवेज रिमेंबर दैट SN1 रिएक्शन हो या E1 रिएक्शन, सॉल्वेंट ऑलवेज वुड बी पोलर। ऑलवेज रिमेंबर सॉल्वेंट हमेशा नॉन पोलर हम लेंगे कब, चाहे B2 रिएक्शन हो या फिर SN2 रिएक्शन, सॉल्वेंट हमेशा कौन सा लिया जाएगा बेटा, नॉन पोलर, सही है। जैसे कि बेंजीन हो गई, बेंजीन इज अ नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, क्यों स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस ही यहाँ पर क्या प्रोड्यूस करेगा, अपना हाइड्रोक्साइड आयन या अपना एनायन, जो कि एलिमिनेशन में क्या करेगा, टेक पार्ट करेगा। अब आते हैं कौन से अल्काइल हैलाइड, ये पास पेपर में आ चुका है। जैसे कि SN1 और SN2 के अंदर आपने अल्काइल हैलाइड्स की डिफरेंशिएशन पढ़ी थी कि कौन सा अल्काइल हैलाइड कौन सा रिएक्शन करेगा, बिल्कुल उसी तरीके से एलिमिनेशन के लिए, एलिमिनेशन में भी हम क्या पढ़ते हैं भाई, एलिमिनेशन के लिए अंदर हम पढ़ते हैं कि भाई 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड
हमेशा हमेशा एटू रिएक्शन देगा, और टू डिग्री अल्काइल हैलाइड को जब नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालोगे तो भी एटू रिएक्शन देगा। सिमिलरली 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हमेशा हमेशा पोलर सॉल्वेंट के अंदर इवन रिएक्शन देगा, और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड को भी अगर आप पोलर सॉल्वेंट में डाल दें तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी आपके पास कौन सा रिएक्शन करने लग जाता है, इवन रिएक्शन प्रोसीड करता है। ये वाली बात समझ आ गई, क्लियर हो गया डिफरेंसेस की बात कंप्लीट। अब हम इसे मैकेनिज्म को देखते हैं, सही है। देखो कि बेटा इसका मैकेनिज्म, पहला हमने देखा कि मैकेनिज्म ऑफ ईवन और ईट के अंदर पहला जो मैकेनिज्म है वो है बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन का मैकेनिज्म, मतलब ए टू रिएक्शन मैकेनिज्म। ए टू रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर बहुत से देखिए अल्काइल हैलाइड कौन सी होनी चाहिए, अल्काइल हैलाइड होनी चाहिए आपके पास 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड या 2 डिग्री। फिलहाल अभी हमने अगर देखें तो वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ कनेक्ट है वो 1, 2 और हाइड्रोजन और 1 कार्बन के साथ कनेक्ट है, तो इस कार्बन की डिग्री हो गई 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के अंदर फर्स्ट स्टेप में एक ही स्टेप में कैटेगरी बनता है, इसमें होता क्या है देखो, ये है अल्फा कार्बन और ये है बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं उसको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन, और बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं उसको हम कहते हैं बीटा हाइड्रोजन। अब नेगेटिव चार्ज है आपके पास इसके ऊपर हैलाइड आयन पर, और पॉजिटिव चार्ज ओवर ऑल इन तमाम कार्बन और हाइड्रोजन पर कंजुगेट हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ये जो OH नेगेटिव है ये बीटा हाइड्रोजन पर अटैक कर रहा है, आपकी बुक में बीटा एलिमिनेशन लिखी हुई है, सही है, अल्फा एलिमिनेशन नहीं है, अल्फा एलिमिनेशन भी हो सकती है। ये OH नेगेटिव इस H पॉजिटिव पर भी अटैक कर सकता है, लेकिन आपके बुक के अंदर यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन आपको सिखाई गई है, कौन सा एलिमिनेशन सिखाई गई है, बीटा एलिमिनेशन, इसी पर हम अटैक इस पर करवा रहे हैं बीटा हाइड्रोजन। प्रोसेस कैसा है, स्लो या मॉडरेट, इसलिए ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो अगर हम ए टू रिएक्शन की बात करें तो ए टू रिएक्शन का जो रेट है वो क्या होगा आपके पास डिपेंड करेगा अल्काइल हैलाइड और बेस के एनायन के ऊपर, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर टी टू रिएक्शन ऑलवेज वुड बी 2, सही है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होगा 2 होगा, क्यों 2 होगा, बिकॉज रेट डिपेंड करेगा बेस के एनायन पर भी और अल्काइल हैलाइड के ऊपर, सही है। ट्रांजिशनल स्टेप में क्या होगा, OH का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनता हुआ नजर आएगा और ये बॉन्ड शिफ्ट होगा बिटवीन द टू कार्बन एटम्स, और यहाँ से कार्बन एटम और हैलाइड आयन का बॉन्ड ब्रेकअप होगा। फाइनली अभी हमने इसको ट्रांजिशनल स्टेप भी बोला, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक ऐसा स्टेप जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग का प्रोसेस साइमल्टेनियस मतलब एक साथ नजर आए तो उस स्टेप को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल स्टेप कहते हैं। लास्ट स्टेप में आप देख सकते हैं, लास्ट कह रहा मतलब एंड पर आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, मॉडल फॉर्म हो चुका है और हैलाइड आयन क्या हो चुका है, लीव हो चुका है, सही है। जबकि इसके बरक्स अगर आप एलिमिनेशन रिएक्शन वन मतलब इवन रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं तो ये कितने स्टेप में होगा, 2 स्टेप। पहला स्टेप कौन सा भाई, स्लो स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, फास्ट। स्लो से क्या मुराद है, मॉडरेट या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहां पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ आपको क्या नजर आ रही है, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड है कौन सा, ये तो हो गया अल्फा कार्बन एटम, ये हो गया बीटा कार्बन एटम्स, और ये भी क्या है बीटा कार्बन, ये हो गया बीटा हाइड्रोजन आपके पास। लेकिन वो कार्बन जो हैलोजन के साथ अटैच्ड है वो 1, 2, 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो इस कार्बन की डिग्री क्या हो गई, 3 डिग्री। तो अभी हम फिलहाल कौन सी मिसाल लेकर डिस्कस कर रहे हैं, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड वाली। इसके अंदर क्या हुआ, पहले स्टेप में क्या फॉर्म हो गया भाई, कार्बोनियम आयन। पहले स्टेप में क्या फॉर्म हो गया, कार्बोनियम आयन फॉर्म हो गया और हैलाइड आयन लीव कर गया। अगले स्टेप में ये OH नेगेटिव जो है इस बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम शिफ्ट होगा। जब ये बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम शिफ्ट होगा तो खुद ही अपन कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपने पास लेकर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, तो इसीलिए चार्ज भी खत्म और डबल बॉन्ड बन जाएगा और वाटर साइड प्रोडक्ट के साथ फॉर्म हो। स्टेबिलिटी की बात की जाए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन जो कि लास्ट चीज है इस पूरे चैप्टर में डिस्कशन के लिहाज से, शायद मैंने आपको बता दिया था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम, बताया था मैंने आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम, नहीं बताया था तो देखें आप। हमारे पास पहला जो कार्बोनियम आयन मैं आपके पास बना रहा हूँ बेटा वो है 3 डिग्री कार्बोनियम आयन। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, रिएक्शन में सबसे देर से हिस्सा लेता है, सबसे ज्यादा इनर्ट होता है। इससे लीज अगर हम बात करें सबसे ज्यादा स्टेबल है, उससे थोड़ा लीक स्टेबल है,
उससे थोड़ा लीन स्टेबल है, और आखिर में सबसे ज्यादा लीन स्टेबल और ये सबसे ज्यादा लीन स्टेबल बेटा, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ये क्या है आपके पास सबसे ज्यादा स्टेबल, और ये क्या है सबसे ज्यादा आपके पास लीस्ट स्टेबल, या फिर सिंपल लिख लो अनस्टेबल। स्टेबिलिटी का ताल्लुक रिएक्टिविटी से ऑपोजिट होता है, तो अगर ये सबसे ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्टिव कौन हुआ, या हाईली रिएक्टिव, सही है। जो सबसे ज्यादा स्टेबल है आपके पास, सॉरी जो सबसे ज्यादा स्टेबल है आपके पास वो क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव, उल्टा है ना। जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो क्या है आपके पास बेटा, लीस्ट रिएक्टिव, और जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है वो क्या है आपके पास, हाईली रिएक्टिव, सही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से अल्काइल हैलाइड का कार्बोनियम आयन सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव है, तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड से बनने वाला कार्बोनियम आयन रिएक्शन में हिस्सा ही नहीं लेता, या लीस्ट रिएक्टिव है, बहुत देर से हिस्सा लेता है, जबकि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड वगैरह का जो कार्बोनियम आयन होता है वो क्या होता है रिएक्शन में थोड़ा सा जल्दी हिस्सा लेता है, क्योंकि वो थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, और क्या होता है हाईली रिएक्टिव होता है। तो बस इस चैप्टर के अंदर ये चीजें थी, और सबसे लास्ट में उसके स्टेबिलिटी बताना बाकी रह गई थी। तो वी हैव डन दिस ओवरऑल अल्काइल हैलाइड चैप्टर, सही है। अब इससे मजीद कुछ भी बाकी